बच्चों में सामाजिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चेतना लाने के उद्देश्य से आज गांव कैलरम के मिनरवा विद्यालय ने एक दिवसीय टूर का आयोजन किया, जहां विद्यालय के बच्चों को कुरुक्षेत्र के अंदर अलग अलग चीजों को अनुभव करने का मौका मिला। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मौजूद 1857 की क्रांति से जुड़े संग्रहालय को बच्चों ने बारीकी से देखा। इसके बाद हरियाणवी खान पान, पहनावे और संस्कृति से जुड़े संग्रहालय धरोहर को देखने का मौका भी बच्चों को मिला। वैज्ञानिक चीजों के अध्ययन और करीब से उन्हें समझने के उद्देश्य से बच्चों व विद्यालय के स्टाफ ने पनोरमा का भ्रमण किया। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए बच्चे श्री कृष्ण संग्रहालय भी गए। कुरुक्षेत्र में धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं वाले स्थानों में से एक ब्रह्म सरोवर को देखने का मौका भी बच्चों को मिला। मिनरवा विद्यालय संस्थान की ओर से बच्चों के लिए इस पूरे टूर का आयोजन निःशुल्क रूप से किया गया था। अजय जी, आज संस्था ने जो पिछले सेशन में टॉप 3 बच्चे रहे थे फोर्थ से प्लस टू क्लास, उनका टूर निकाला है एक दिन का कुरुक्षेत्र का। जैसे विज्ञान से संबंधित जो जो चीज़ें हैं वो पनोरमा, तारामंडल, ध्रोहर यहाँ, और संस्कृति से संबंधित ध्रोहर है जैसे, वो चीज़ें बच्चों ने देखी। ये संस्था ने निःशुल्क निकाला है, किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लिया है, ताकि बच्चों का हौसला बढ़े और बच्चे पढ़ाई की ओर अग्रसर हों। अजय जी, बच्चों का काफ़ी अच्छा फीडबैक है। बच्चों ने यहाँ विज्ञान की बहुत सी गतिविधियाँ पनोरमा के अंदर देखी, श्री कृष्ण संग्रहालय के अंदर आध्यात्मिक, और धरोहर के अंदर हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी प्राचीनतम चीज़ें देखी। पता लगाया कि कैसे कैसे लोग पहले रहते थे, क्या क्या हरियाणा में होता था, और धरोहर के साथ लगते ही 1857 की क्रांति का संग्रहालय था, जिसमें उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान शहीद हुए हमारे पूर्वजों के बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे संघर्ष किया है इस आज़ादी को पाने के लिए। क्या लगता है इस तरह की एक्टिविटी की ज़रूरत क्यों है बच्चों? इस तरह की एक्टिविटी की ज़रूरत अजय जी, एक तो बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा होती है कि अब की बार, चलो कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो अब की बार नहीं आ पाए, उनके मन में आएगा कि हमें अगली बार जाना है। हम हर साल करते हैं ऐसा, उनका कोई पैसा नहीं लेते बच्चों से, इस चीज़ का निःशुल्क होता है। तो और इसके साथ साथ ये एजुकेशनल टूर है, जैसे मैंने बताया पनोरमा में विज्ञान की चीज़ें भी देखी और सांस्कृतिक आध्यात्मिक 1857 की क्रांति के बारे में, और अभी हम ब्रह्म सरोवर के ऊपर खड़े हैं तो बच्चे यहाँ भी आनंद ले रहे हैं, और जो शांतिमय वातावरण जिसकी हम बात करते हैं वो यहाँ बच्चे महसूस कर रहे हैं। अजय जी, मिनरवा पहले ही कैलेंडर तैयार कर लेता है साल के स्टार्टिंग में, तो हर साल हम ये सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं। ये भी हमारा प्लान ही था जो मार्च में हमने फाइनल कर दिया था। मार्च में हमने कोई सम्मान समारोह बच्चों का नहीं किया था टॉपर का, वो इसीलिए पेंडिंग छोड़ा था कि हम एक दिन टूर निकालेंगे बच्चों का, ताकि बच्चों को कुछ नया महसूस हो सके और आगे भी ऐसी गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। सर, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं विद्यालय में एज ए साइंस टीचर कार्य कर रहा हूं, और आज विद्यालय के द्वारा एक निःशुल्क भ्रमण का आयोजन किया गया धर्म नगरी कुरुक्षेत्र पर। बच्चों को एक ऐसी चीज़ के बारे में अवगत करवाया जिसमें सभी चीज़ों का अपना अपना महत्व था, चाहे वह सांस्कृतिक के रूप में धरोहर थी, चाहे वह विज्ञान के रूप में पनोरमा था, या कृष्ण संग्रहालय है, और जहाँ पर हम खड़े हैं ब्रह्म सरोवर, अपने आप में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक विशेष स्थान है इसका। आज बच्चों ने हर एक चीज़ के बारे में, जो एक विद्यार्थी जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि उसका सर्वांगीण विकास करना, कि आज टेक्नोलॉजी का युग है तो हमने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को सीखा, उनको समझाया, बच्चों ने उसमें रुचि भी काफ़ी दिखाई। साथ में एक विद्यार्थी के लिए, एक समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश होता है उसकी विरासत, उसकी सांस्कृतिक, उससे भी जोड़ा उन बच्चों को, और उससे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। बच्चों ने बड़ी ही खुशी से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और अपने आप को उसके अनुरूप ढालने की कोशिश भी की। बच्चों की ये खुशी देखकर विद्यालय का सारा स्टाफ और विद्यालय बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहा है, और विद्यालय चाहता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ नया किया जाए, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि विद्यालय हर समय कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है, जिसकी कड़ी में आज हमने एक निःशुल्क यहाँ पर किया। ये हमारे विद्यालय की ओर से महत्वपूर्ण कदम था। हम चाहते हैं कि हम बच्चों को कुछ ना कुछ नया जरूर दें। सर, myself Nancy from class 10। आज क्या कुछ विजिट किया आपने? सर, सबसे पहले तो हमने 1857 की क्रांति के बारे में भी जाना, बहुत सी बातें जानी। उसके बाद हम पनोरमा गए, जहां हमने साइंस के विषय में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे। वहां से हमें, जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने भी हमें बहुत सारी जानकारी दी, और हमें वहां से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को भी मिली। और फिर हम ब्रह्म सरोवर आए हैं, आज का दिन हमने बहुत सा इन्जॉय भी किया और बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली।
जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट से हमने साइंस के विषय में बहुत कुछ सीखा। 1857 की क्रांति से हमें कुछ ऐतिहासिक जीवन के बारे में भी पता चला, तो आज बहुत कुछ हमने सीखा यहाँ से। विद्यालय की पहल के बारे में क्या कहोगे, विद्यालय को ऐसे मौके देने चाहिए बार बार बच्चों को? यस सर, जरूर देने चाहिए कि क्योंकि पढ़ाई में भी हमें वैसे तो सीखने को मिलता है, लेकिन ऐसे जो जैसे कि पनोरमा गए हम, वहाँ पर हमने कुछ अपने आप से भी करके देखा, तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो ऐसे हमें बहुत कुछ अपने आप से भी नॉलेज गेन होती है। सर मेरा नाम सुखचैन है, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ मिर्जा पब्लिक स्कूल में। आज क्या क्या देखा सर? आज हम बहुत सी जगह पर घूमे, पनोरमा, धरोहर, जहाँ हमें हरियाणा की प्राचीन सभ्यता के बारे में पता चला, और हम उसमें पनोरमा में गए थे जहाँ पर खूब सारे एक्सपेरिमेंट और साइंस के बारे में हमें वहाँ से पता चला, और हमें बहुत कुछ सीखा भी वहाँ से। और हम क्रिएशन संग्रहालय और भ्रम सरोवर पे गए, वहाँ पर जैसे हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें भगवान से मिलने का मौका मिला, तो पॉजिटिव एनर्जी फील हुई थी हमें, ऐसे बहुत एंजॉय किया था। सर माय नेम इज माफी फ्रॉम 10th क्लास। क्या कुछ देखा आज कुरुक्षेत्र? सर आज हमने बहुत कुछ देखा, फुल एंजॉय किया। हम सबसे पहले हमने 1857 की क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली, जिसमें टीचर ने हमें बहुत सहयोग दिया। हम धरोहर गए जिसमें हमें हरियाणवी संस्कृति के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। हम पनोरमा भी गए जहाँ साइंस के एक्सपेरिमेंट, हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे, हमने खूब मजे किए वहाँ पे भी। और हम कृष्ण संग्रहालय गए जहाँ पर हमने कृष्ण के जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली और बहुत इंजॉय किया। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि स्कूल ने हमें टूर पे आने का मौका दिया, और आशा करते हैं कि आगे भी हमें ऐसे टूर पे आने का मौका दे। सर मेरा नाम स्माइल है और मैंने पिछले सेशन में यहाँ से 12th की है हमारे स्कूल से, और अब मैं BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और हमारे स्कूल ने हमें इनवाइट किया है, आज हमारा एक दिन का ट्रिप था और आज हम कुरुक्षेत्र आए थे। और सबसे पहले तो हम धरोहर में गए जहाँ हमें हरियाणा की पुरानी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, और वहाँ जो हमारी हरियाणा की संस्कृति है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी और क्या कुछ था पहले। और फिर हम कृष्ण संग्रहालय में गए जहाँ हमें महाभारत के बारे में, उसका युद्ध मतलब कैसे था, उसके बारे में जानकारी मिली। जी सर, ऐसे ट्रिप करने चाहिए स्कूल को, इससे स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं तो ज़्यादा कुछ समझ में आता है हमें, और ऐसे ट्रिप करने चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है सर। Myself आयुषी फ्रॉम 11th क्लास। आज क्या क्या विजिट किया कुरुक्षेत्र में? आज हम सबसे पहले 1857 की क्रांति से जुड़े संग्रहालय में गए, वहाँ हमने देखा कि हमारे देश पर कैसे अंग्रेजों ने अत्याचार किए। उसके बाद हम धरोहर गए जहाँ हमने सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों को देखा और उनसे कुछ सीखा। उसके बाद हम पनोरमा गए जहाँ विज्ञान से जुड़े हुए कुछ एक्सपेरिमेंट थे, हमारे टीचरों ने हमें उनके बारे में समझाया और हमने वहाँ से कुछ चीज़ें सीखी। उसके बाद हम श्री कृष्ण संग्रहालय गए जहाँ श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अंत तक सारी चीज़ें का बताया गया था, और महाभारत से जुड़ी हुई कुछ बातें भी हमने वहाँ से सीखी। उसके बाद हम ब्रह्म सरोवर गए जो कुरुक्षेत्र में बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। Myself is I read in 5th standard. आज क्या कुछ सीखने का मौका मिला आपको? आज हमने धरोहर देखा जहाँ पर हरियाणा की पुरानी चीजें देखी हमने। फिर हम पनोरमा में गए, वहाँ पर हमने विज्ञान से संबंधित चीजें देखी, जैसे सूर्य उदय कैसे होते, सूर्यास्त, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें देखी। फिर हम श्री कृष्ण संग्रहालय में गए, वहाँ पर हमें श्री कृष्ण के जीवन की सारी जानकारियाँ मिली। सर मेरा नाम शानी और मैं 11th क्लास में हूँ। यहाँ पर भ्रम सरोवर घाट पर है और यहाँ पर हमने भ्रमण भी किया है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो विद्यालय को ऐसे टूर मतलब करवाने चाहिए बच्चों के लिए? हाँ जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बच्चे एंजॉय भी कर लेते हैं।